अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। वालेकुम सलाम मैम। जी मैम, आवाज आ रही। अच्छा जी, पहला लेक्चर पढ़ा किसी ने कि नहीं पढ़ा? रिवाइज किया था? यस मैम। कोई ऐसी चीज ना समझ आई हो? नो मैम। समझ आ गया था। वो सिर्फ फिजिक्स थी हम लोगों ने जो कवर की थी, जो FSC लेवल की हमारी फिजिक्स थी। और जो बीइंग अ रेडियोग्राफर, आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, वो मेन मेन चीजें हमने कवर की थी। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसमें ये था कि हम लोगों ने जो हमारे सराउंडिंग में स्ट्रक्चर्स हैं, एटम्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बिकॉज हम लोगों ने एक्सरे की प्रोडक्शन देखनी आगे के हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस। ठीक है, अब हम लोगों को पता था कि एक्सरेज जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो किस तरह का हमारे पास एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम, एटम का पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था। एटम के स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द एटम। तो उस जगह पे जब हमारे पास कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी टाइप है एक्सरेज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि मैंने आपको बताई थी उसकी टाइप एक्सरेज है, वो इंटरेक्ट करती हैं जब एटम के साथ या इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, तो वहां से या तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। ठीक है, उसकी वजह से उस एटम के ऊपर हमारे पास कोई एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, और उस चार्ज क्रिएट होने की वजह से उसको हम कहते हैं आयन या आयनाइजेशन। और जो रेडिएशन या जो रेज ये काम कर रही होती हैं, हम उनको कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस दैट आर रिमूविंग या एडिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हमें पता चल गए कि व्हाट आर द आयोनाइजिंग रेडिएशंस और ये किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं हमारे एक्सरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ओके, आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्रिएट हो गई हैं। फिर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस हमारी फील्ड में, रेडियोलॉजी में कहाँ कहाँ किस किस मोडालिटी में यूज हो रही है, और दूसरा हमारे पास जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं एंड व्हाट आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये पढ़ लिया था। उसके अलावा हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट आर द रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स। बीइंग अ रेडियोग्राफर्स यू शुड नो व्हाट इज अलारा, व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल। ठीक है, इन चीजों को हम फॉलो करेंगे, और जब भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे एवरीवेयर यू विल सी के आप लोगों को हर जगह अलारा लिखा है, लिखा होगा, फॉलो अलारा, फॉलो अलारा एज रो एज रीजनेबली अचीवेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि व्हाई दीज रेज आर हार्मफुल, बिकॉज दे आर आयनाइजिंग रेडिएशन, दे कैन आयनाइज द एटम्स, और हमारी बॉडी के जितने भी एटम्स हैं अगर उनको वो आयनाइज करती हैं तो दैट विल क्रिएट सम हैजर्ड्स, जो कि कुछ लेट्स होते हैं और कुछ अर्ली इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो हम लोग जब रेडिएशन प्रोटेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने कवर करना है उसके। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हम लोगों ने बेसिक बेसिक कुछ फिजिक्स पढ़ी थी और बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी। अब हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक की तरफ जाना है, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा एक्सरे मैमोग्राफी एंड स्पेशल रेडियोलॉजिकल टेक्निक। हम लोगों ने बेसिक इसलिए पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए आगे हम लोगों ने एक्सरेस को कैसे प्रोड्यूस करवाना है। ठीक हो गया, बेसिक फिजिक्स होगी। आज का लेक्चर है द एक्सरे इमेजिंग सिस्टम, एक्सरेज अब प्रोड्यूस कैसे होंगे और उनका हमारे क्या क्या इफेक्ट्स हैं उनके, और कहाँ कहाँ यूज है उसका। ठीक है, और उसकी जो इमेजिंग मतलब वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो उसकी जो मशीन है ना उसको थोड़ा सा आज हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसके अराउंड हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाना है कैसे। अब हम गए हैं रूम में, ठीक है, हम लोगों ने बटन ऑन किया, मशीन ऑन हो गई है, मशीन ऑन होने की वजह से करंट जनरेट हुआ है। करंट जब पास करेगा, करंट क्या है, इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हेन इट मूव्स इनटू द मेटल ऑब्जेक्ट एक्सरेज आर प्रोड्यूस। इसका ये मतलब है कि जब हम लोगों के आगे मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स से गुजरते हुए हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, बट जो चीज आपसे याद करने वाली है हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस, यू शुड नो व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लैम इनटू अ मेटल ऑब्जेक्ट। आगे कहाँ पे, जब करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, आगे हमारे पास एक मेटल ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेटल है, उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे, तो हमारे पास एक
एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी द एक्सरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, ठीक है, ये आपको बात इतनी पता होना चाहिए कि हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस. फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स मूव इट स्ट्राइक्स विद द मेटल ऑब्जेक्ट और उस मेटल ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वो वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरेज की फॉर्म में हमारे पास प्रोड्यूस होती है. ठीक है, बात समझ आ गई है, आगे चलें. अब हम लोगों ने देखना है कि अब एक्सरे जो यूनिट है जिस रूम में आप एक्सरेस कर रहे हो, एक्सरे यूनिट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, जब आप देखोगे एक्सरे सिस्टम को तो ये तीन कंपोनेंट्स आपको दिखने को मिलेंगे. नंबर वन इज द एक्सरे ट्यूब, ठीक है, नंबर टू इज द ऑपरेटिंग कंसोल और तीसरा है हाई वोल्टेज जनरेटर. ये तीन कंपोनेंट्स हैं एक्सरे इमेजिंग सिस्टम के, ठीक है, वन बाय वन इनको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक, इस पिक्चर में अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है जिसके ऊपर आपको नंबर्स कुछ नजर आ रहे हैं, दिस इज द ऑपरेटिंग कंसोल जिसको ऑपरेट करते हुए हम कुछ फैक्टर्स सेट करते हैं जब भी हमने एक्सरेस करने होते हैं. ठीक है, मैंने लास्ट स्लाइड में लास्ट लेक्चर में आपको कुछ बताया था कि जो कुछ हम लोग फैक्टर्स सेट करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज द केवीपी किलो वोल्ट पीक एंड नंबर टू इज द एमएएस, ठीक है, मिली एम्पियर पर सेकेंड. ठीक है, वो हम लोगों के पास दो मेन फैक्टर्स हैं जिनको हम सेट करते हैं, वन इज द क्वांटिटी अदर इज द क्वालिटी. ठीक है, एक जो है हमारे पास रेज की क्वांटिटी बताता है और एक हमारे पास उसकी क्वालिटी बताता है कि कितनी पेशेंट के अंदर वो हम लोग रेडिएशंस भेजेंगे, कितनी हमें कम भेजनी चाहिए, ज्यादा भेजनी चाहिए. मोटा पेशेंट आ गया, अब हम लोगों ने इमेज लेना है, ठीक है, इमेज रिसेप्टर हमेशा पीछे पड़ा होता है और रेडिएशन आगे से आती है. ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई ऐसा व्यू करना है वो हम आगे व्यूज में पढ़ेंगे. ये है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, फ्रॉम एंटीरियरली रेज आर कमिंग एंड पोस्टीरियरली हमारे पास डिटेक्टर लगा होता है जो डिटेक्ट करेगा, ये वाला व्यू को कहते हैं एंट्रोपोस्टीरियर. ठीक है, फिर हम अगर पेशेंट को उल्टा खड़ा कर देते हैं और रेज उसकी बैक साइड से एंटर हो रही है उसके ऊपर डिटेक्टर के ऊपर, देन दैट व्यू विल बी पोस्ट्रो एंटीरियर. ठीक है, बिकॉज जो पहला वर्ड आ रहा है रेज आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड, ठीक हो गया. ये हमारे पास कंसोल जो है ना इसके ऊपर इस तरह के फैक्टर्स लगे होते हैं. अब हमने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, पेशेंट ओबीज है, पेशेंट थिन है, पेशेंट का स्ट्रक्चर कौन सा करना है, लंग्स का करना है हमने एक्सरेस, उसके क्या कहते हैं हैंड का करना है. अब लंग्स का करने के लिए अब हमें फैक्टर्स ज्यादा रखने चाहिए बिकॉज वहां पे हमें अब्सॉर्प्शन ज्यादा चाहिए. अब हैंड क्या करने के लिए हमें इतनी थिकनेस नहीं रिक्वायर्ड है, इतनी सी तो इतना सा तो हैंड की थिकनेस होती है, तो उसमें से हमारी रेस जल्दी पास कर जाएंगी, डैट मीन्स हमने फैक्टर्स कम रखने हैं. तो फैक्टर्स हम लोगों को हर ऑर्गन का पेशेंट की जो क्या कह सकते हैं फिजिक के ऊपर देखते हुए हम लोगों ने उसको डिसाइड करना होता है. तो ये ऑपरेटिंग कंसोल है जिसके ऊपर हम लोग पेशेंट के फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे जो है वो सेट कर सकते हैं. ठीक हो गया, नंबर वन हो गया ऑपरेटिंग कंसोल, नंबर टू हो गया एक्सरे ट्यूब. जब आप अंदर जाओगे ना ये आपको टेबल इस तरह का नजर आएगा, ऊपर एक्सरे ट्यूब लगी होगी इस तरह की, ठीक है, आगे कॉलीमेटर लगा होगा जो कि कॉलीमेट करता होता है इसकी रेडिएशन को कि हमने ज्यादा देनी है कम देनी है, जो विंडो टाइप होती है, ठीक है, उसको कम ज्यादा खोलने के लिए कॉलीमीटर्स लगे होते हैं. तो आपको दूसरी चीज क्या एक्सरे इमेजिंग सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारे पास एक्सरे ट्यूब, ठीक है. थर्ड हमारे पास एक्सरे ट्यूब जो कि हमारे रूम में नहीं नजर आएगा, आपको अलग से एक साइड पे एक रूम नजर आ रहा होगा उसके अंदर एक जनरेटर लगा होगा जो कि करंट को जनरेट करता है, उस वो हो गया हमारे पास हाई वोल्टेज जनरेटर. ठीक है, ये तीन चीजें आपको नजर आएंगी. नंबर वन इज द एक्सरे जनरेटर, आगे एक्सरे ट्यूब लगी हुई है जिससे एक्सरे जो है वो निकलते हैं और आगे जो हमारे पास हमारे जो कंट्रोल में होता है वो हमारे पास ऑपरेटिंग कंसोल होता है जिसके ऊपर फैक्टर्स होते हैं, हमने सेट करने होते हैं. यहाँ पे सेट करके हम पुश का बटन दबाएंगे, एक्सरेज रिलीज होंगे, एक्सरेज रिलीज होंगे पेशेंट से हमारे पास इमेज क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, ये सारा इसके कंपोनेंट्स है. नंबर वन एक्सरे जनरेटर, ठीक है, नंबर टू एक्सरे ट्यूब. अब हम इन तीनों को वन बाय वन पढ़ लेते हैं. अभी मैंने बता दिया ऑपरेटिंग कंसोल करता क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स को सेट करते हैं हम लोग इसके ऊपर बेसिकली क्या करता है. द ऑपरेटिंग कंसोल अलाउज रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट टू कंट्रोल द एक्सरे ट्यूब करंट एंड वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बताया था केवी और एमएस, ठीक है, एक वोल्टेज और एक करंट, ठीक, सो दैट द यूजफुल एक्सरे बीम इज फॉर द प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी. इन चीजों को करंट
और वोल्टेज को सेट करते हुए हम लोग एक अच्छा इमेज की बना सकते हैं, हम उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। और हमें पता है कि हम लोग अगर केवी सेट करते हैं तो व्हाट वाज द केवी, केवीपी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किलो वोल्ट पीक, ठीक है। एक्सरे वोल्टेज आर मेजर्ड इन किलो वोल्ट, जो वोल्टेजेस है वो मेजर किए जाते हैं केवीपी में, और करंट को किसमें मेजर करते हैं, मिली मिली एम्पियर, ठीक है। और टाइम के साथ, अगर कितने टाइम के साथ हम लोगों ने करना है, इतने टाइम के लिए एक्सपोजर देना है, इतना करंट देना है, इतना करंट देना है, तो उसको हम कहते हैं एम ए एस, मिली एम्पियर सेकेंड। ओके, ये दो चीजें हैं जो कि हमारी एक अच्छी इमेज की क्वांटिटी या क्वालिटी को बताते हैं। नंबर वन इज द केवीपी एंड नंबर टू इज द एम ए एस। इनको हम लोग ऑपरेटिंग कंसोल के ऊपर सेट करते हैं। अभी मैंने बताया कि एक चीज बताएगी क्वांटिटी एंड अदर वन इज द क्वालिटी। तो क्वांटिटी क्या रेफर कर रहा है, जो कि करंट जितना हमारे पास पास हो रहा है, दैट इज क्वांटिटी, करंट कितने टाइम के लिए उतना सेकंड। तो रेडिएशन क्वांटिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एक्सरेज और द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम। रेडिएशन क्वांटिटी इज यूजली एक्सप्रेस, ये आपके पास मैंने बताया था यूनिट्स याद करने के लिए, चार जो मेन यूनिट्स है वो तो आपने पक्के याद करने ही करने हैं। तो जो क्वांटिटी है, दैट मींस, पहला मैंने आपको यूनिट बताया था एक्सपोजर का। एक्सपोजर का क्या मतलब होता है कि आपके पास रेडिएशन एक्सपोज हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या है, क्वांटिटी बता रहा है कि इतनी एक्सपोजर जो था, इतना जो हमारे पास करंट था वो होना चाहिए। दैट मींस मिली ग्रे, ग्रे जो था किसका यूनिट था, एक्सपोजर का, दैट मींस एक्सपोज हो गया है, ये उसका यूनिट है एक्सपोजर का, ठीक है। वो आपने ये जाके याद करने हैं। तो द एक्सरे क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम ए एस, एक्सरे क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू केवीपी, एक्सरे क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। जितना कम डिस्टेंस रखेंगे हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शन का, तो आपको यही पता ना, उतनी उसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्वांटिटी कम रखेंगे, डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। When SID, source to image distance, SID means source to image distance. Source क्या है हमारी, X-rays, जो image है, जो हमारे पास receptor है यहाँ पे लगा। For example, मेरा X-ray था, ये सामने camera लगा हुआ है, तो ये हमारे पास X-ray tube है, इससे current, इससे X-rays जो है वो pass करेंगी हमारे patient के अंदर से, patient के आगे जो है हमारे receptor साथ ही लगा होता है, ठीक है। This is the distance between source is the X-ray tube and इमेज या रिसेप्टर, ठीक है। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, एम ए एस मस्ट बी इंक्रीज बाय एस आई डी स्क्वायर, ठीक है, टू मेंटेन कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू द इमेज रिसेप्टर। ओके, तो क्वांटिटी को हम लोगों ने जब भी उसको क्वांटिटी को बेहतर बनाना है, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम एम ए एस चेंज करते हैं, हम डिस्टेंस चेंज करते हैं, ये दो चीजें इज इम्पोर्टेंट। ओके, देन हमारे पास क्या है, एडिंग फिल्ट्रेशन टू द यूजफुल एक्सरे बीम रिड्यूसेस पेशेंट डोज। अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पास डिजाइन होती है ना एक्सरे ट्यूब, उसके आगे कॉलीमेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या करते हैं, जब हमारे पास एक्सरेज निकलते हैं ना ट्यूब में से, तो कुछ हमारे पास एक्सरे स्कैटर्ड हो रहे होते हैं, इधर उधर भी जा रहे होते हैं। जो यूजफुल बीम है वो नीचे यूं आ रही होती है, जिस ऑर्गन को हम लोगों ने एक्सपोज करना है, सिर्फ वो ही हमारे पास उस एरिया की जो रेडिएशन है ना वही यूजफुल होती है। कुछ रेडिएशन इधर को चली जाती है, कुछ इधर को चली जाती है, डैट वो हमारे लिए काम की तो नहीं है, क्या करेंगे, नुकसान ही देंगी ना वो। दीज रेडिएशन आर द स्कैटर्ड रेडिएशन, तो उनको हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कुछ फिल्टर लगे होते हैं एक्सरे ट्यूब के साथ ही, जो इधर उधर रेडिएशन जो यूजफुल नहीं है उनको वो लोग फिल्टर कर लेते हैं, और जो यूजफुल एक्सरे बीम है सिर्फ वही हमारे पास पास होती है, और वो पेशेंट का में एंटर हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कर सकती है, वो रिड्यूसेस द पेशेंट डोज, स्कैटर्ड रेडिएशन विल इंक्रीज द पेशेंट डोज। हम लोगों ने कम से कम, आपको पता ना बार बार मैं कहती हूँ कि अलारा को फॉलो कर, कम से कम हमने पेशेंट को रेडिएशन देनी है और अच्छा सा अच्छा इमेज बनाना है। देन आ गया रेडिएशन क्वालिटी, केवीपी जो था वो हमारे पास ऐसा फैक्टर है जो कि क्वालिटी को हमारी मेंटेन रखेगा, क्वालिटी को हमारे चेंज करेगा। तो रेडिएशन क्वालिटी रेफर्स टू द पेनिट्रेबिलिटी, वोल्टेज था एक्सरे बीम, वोल्टेज ज्यादा एक्सरे में, वोल्टेज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे एक्सरे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, एक्सरे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे वो बॉडी के अंदर ज्यादा जाएंगे, डैट मीन्स कि उसकी पेनिट्रेबिलिटी ज्यादा है, वो पेनिट्रेट ज्यादा करेंगे।
वोल्टेज मैंने बताया था ना केवीपी, तो जो क्वालिटी है वो हमारे पास कौन सा फैक्टर है, वो हमारे पास केवीपी है। अगर हमने क्वालिटी कम या ज्यादा रखनी है उसकी इमेज की, तो हमें केवी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको एक्सप्रेस किया जाता है हाफ वैल्यू लेयर बी। हाफ वैल्यू लेयर क्या होती है, हाफ वैल्यू लेयर ऑफ एन एक्सरे बीम इज द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, के जो जिसमें जो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है उसकी जो थिकनेस है, क्या कर रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो आधी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, आगे आधी जो है वो इमेज के ऊपर हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, तो हाफ वैल्यू लेयर इसको कहते हैं, बिकॉज जो हमारे पास एब्जॉर्बिंग मटेरियल है जो कि पेशेंट है उसमें हाफ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, हाफ हमारे पास इमेज के ऊपर इमेज क्रिएट करती है, ठीक है। वो एब्जॉर्बिंग जो होते हैं ना, वो कुछ ऑर्गन इस तरह के होते हैं कि हमारे पास वहां से एक्सरेस मूव नहीं कर सकते, आगे की तरफ ट्रांसमिट नहीं करते, कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं, ठीक है, कुछ में से पास कर जाती है रेज, ठीक है। तो हाफ वैल्यू लेयर इज द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटीरियल नेसेसरी टू रिड्यूस द एक्सरे इंटेंसिटी टू इट्स हाफ ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, बात समझ आ गई। So the X-ray beam quality can be identified by KVP or filtration, but half value layer is more appropriate. समझ आ गई, दोनों quantity भी और quality भी। अब ये factors करते क्या हैं? अगर एक factor को increase करते हैं तो क्या वो quantity या quality पे क्या असर उनका होता है? MAS change करने से quality पे क्या असर होगा? No, but quantity will increase. KVP change करने से क्या होगा? If KV increase, quality भी increase होगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वालिटी पे, बट क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। फिल्ट्रेशन इंक्रीज करने से क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी बट क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी एक्सरेज की, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं दैट अफेक्टिंग द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। ये हो गई हमारे पास ऑपरेटिंग कंसोल की चीजें, ठीक। वन बाय वन हमने कहा था तीनों को पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग कंसोल के अंदर ये फैक्टर्स लगे होते हैं, एक क्वांटिटी बताता है, एक क्वालिटी बताता है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हमने बता दिया। अब हम लोग इनको कैसे चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, क्वांटिटी इंक्रीज करनी है या क्वालिटी इंक्रीज करनी है, बात समझ आ गई। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास था हाई वोल्टेज जनरेटर। अब आपको पता है कि ये जो रूम जनरेटर्स होते हैं ना, वो सामने नजर नहीं आते, वो बैक हमारे रूम के ऊपर वो बड़े बड़े से जनरेटर लगे होते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो एक्सरेज का भी जो जनरेटर है वो इसी तरह पीछे रूम में लगा होता है, और वो क्या करता है, वो करंट को जनरेट करता है। आपने जनरेटर ऑन किया, उसमें से करंट हाई वोल्टेज जो है ना प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो बेसिकली हाई वोल्टेज जनरेटर ऑफ एन एक्सरे इमेजिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो कि इसके अंदर लगे होते हैं टू द केवीपी नेसेसरी फॉर द एक्सरे प्रोडक्शन, बात समझ आ गई। दैट मीन्स एक्सरे जनरेटर जब ऑन करते हैं उसको काम किया है उसने वोल्टेज जनरेट करना है। वोल्टेज का क्या मतलब है, उसने करंट जनरेट करना है। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास एक्सरे की प्रोडक्शन होगी। और जितने ज्यादा मतलब के वोल्टेज का क्या मतलब था, केवीपी, ठीक है, तो केवीपी जितने ज्यादा उतनी ज्यादा हमारे पास क्वालिटी बेहतर होना चाहिए, ठीक है। पर इतनी भी नहीं करनी कि हम लोगों ने पेशेंट को जो है क्वालिटी बेहतर कर ली और पेशेंट को इतना ज्यादा डोज दे दिया है कि वो बेचारा मरने वाला हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं हमारी रेडिएशन के जो कि हमें उस वक्त नहीं पता चले, कुछ हमारे अर्ली इफेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे लेट इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा बेहतर हो चुकी हुई है कि रेडिएशन को हम कम से कम ये सारी टेक्नोलॉजीज डे बाय डे इन पे काम हो रहा है कि हम पेशेंट को कम से कम रेडिएशन दें, हम जो है रूम को इस तरह डिजाइन करें, हम लोग एक्सरे ट्यूब के साथ फिल्टर ऐसे डिजाइन करें हमें बस यूजफुल बीम्स मिले, हम जो है प्रोटेक्शन दें, ये सारी टेक्नोलॉजीज अब डे बाय डे आ रही है। पहले पहले जब एक्सरेस होते थे ये कुछ भी नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है। फिर आज जो एक्सरे जनरेटर कंटेन्स थ्री प्राइमरी पार्ट्स। अब जनरेटर के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक उसका ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज, दूसरा उसका फिलामेंट और तीसरा इसका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से उसको रेक्टिफायर करता है ना जितना भी जनरेट होता है करंट उसको, ठीक है। फिलामेंट के अंदर जो है वो करंट मूव करेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वहां पे निकलेंगे फिलामेंट्स के अंदर, वो आगे मैं जाके बताऊंगी। और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो गया, नंबर वन ऑपरेटिंग कंसोल डिफाइन हो गया, नंबर टू जनरेटर, और तीसरी क्या चीज थी इम्पोर्टेंट, एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब भी तो है जिसके अंदर करंट जो है हमारे पास जाएगा और वहां से एक्सरेज हमारे निकलेंगे, एक्सरे ट्यूब, ठीक है। इट इज कंटेन्ड इन अ प्रोटेक्टिव हाउसिंग। अब पहले एक्सरे ट्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि वो आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका और इनर स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्सरे ट्यूब का, ठीक है।
तो नंबर वन इज द एक्सटर्नल कंपोनेंट, जो उसकी एक्सरे ट्यूब की जो बाहर वाली प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने तीन उसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक आ गया सपोर्ट स्ट्रक्चर, कि एक्सरे ट्यूब को बाहर से सपोर्ट किस चीज की है। नंबर टू प्रोटेक्टिव हाउसिंग, उस ट्यूब को प्रोटेक्ट किस चीज ने किया हुआ है, क्योंकि अंदर आपको पता है कि इतने ज्यादा हाई वोल्टेज करंट जा रहा है उसमें से, उसको ट्यूब का फेलियर भी हो सकता है, क्या उसकी लाइफ होती है, कितने टाइम तक एक्सरे ट्यूब जो है वो हमारे पास काम आ सकती है, उसके लिए क्या डिजाइन किया जाता है बेहतर कि एक्सरे ट्यूब जो है वो हमारे पास लॉन्गर लाइफ हो उसकी, ठीक है। और तीसरी हमारे प्रोटेक्टिव हाउसिंग हो गया, और तीसरी उसके अंदर एक वैक्यूम होता है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने एक वैक्यूम के अंदर मूव करना है, अगर उसके अंदर वैक्यूम नहीं होगा तो वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करेंगे, और अगर स्ट्रेट हम लोगों ने मूव करवाना है इलेक्ट्रॉन्स को तो वहां पे हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, तो वो वैक्यूम जो होता है ना वो या तो ग्लास ट्यूब होता है या मेटल का बना होता है, ठीक। ये तीन चीज समझ आ गई, जो एक्सरे ट्यूब का एक्सरे करंट एक्सरे सिस्टम का जो है ना एक्सरे इमेजिंग सिस्टम के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास ये तीन चीजें, नंबर वन सपोर्ट स्ट्रक्चर, नंबर टू इज द प्रोटेक्टिव हाउसिंग, एंड नंबर थ्री इज द ग्लास और मेटल इंक्लोजर। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है, वो अभी हम, और ये भी देख लेते हैं कि इंटरनल कंपोनेंट्स क्या थे। ट्यूब के अंदर दो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। अब इन सबको वन बाय वन पढ़ते हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट था द सपोर्ट स्ट्रक्चर। क्या चीज है जो सपोर्ट कर रही है एक्सरे ट्यूब को? एक्सरे ट्यूब हैंग ऐसे हवा में नहीं कर रही है, ठीक है। उसके लिए तीन मेथड्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। नंबर वन उसको कहते हैं सीलिंग सपोर्ट, या तो वो छत के साथ एक्सरे ट्यूब को उसको सपोर्ट दी जाती है, इस तरह करके वो जो ट्यूब है वो छत के साथ अटैच होती है, उसको कहते हैं सीलिंग सपोर्ट सिस्टम। ऐसे एक्सरे ट्यूब्स आपने देखे होंगे, कभी हॉस्पिटल में विजिट किया हो आपने तो देखा होगा एक्सरे ट्यूब्स को, एक्सरे रूम को अगर देख कभी चक्कर लगे तो जरूर देख के आना उनसे कह के ना, तो आप देखना कि कुछ जो हमारे पास एक्सरे ट्यूब नीचे टेबल लगा होता है, एक बकी होती है जिसके ऊपर खड़े होकर हम एक्सरे करवाते हैं पेशेंट के, ठीक है। तो जो ट्यूब है ना एक्सरे ट्यूब, वो कुछ जगहों पे हमारे पास ऐसे छत के साथ जो है वो अटैच होगी, उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं हम, ठीक। तो उस सपोर्ट को कहते हैं द सीलिंग सपोर्ट सिस्टम। एक होगी फ्लोर टू सीलिंग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, छत के साथ भी अटैच होगी और नीचे उसके वो क्या कह सकते हैं फ्लोर के साथ भी अटैच होगी। नंबर थ्री है सी आर्म सपोर्ट सिस्टम, ये ज्यादातर एंजियोग्राफी के अंदर यूज हो रही होती है। हमारे पास सी आर्म जो होता है इस तरह पड़ा हुआ है, मार्कर मार्कर नहीं पड़ा हुआ, आगे इमेज होगा मैं इसमें दिखाती हूँ। ये देखो ये नंबर वन जो है ना ये क्या है सीलिंग सपोर्ट, इसमें एक्सरे ट्यूब सीलिंग के साथ अटैच है, ये देख रहे हो ऊपर, ठीक हो गया। नंबर टू फ्लोर टू सीलिंग दोनों है, ये देखो ये फ्लोर के साथ ये इसकी सपोर्ट है, ये फ्लोर यूं करके, और ये एक्सरे ट्यूब हम ऊपर नीचे इस तरह इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। और सी आर्म क्या होता है, ये सी सी की शेप में इस तरह हमारे पास होता है, पेशेंट का जब हम लोगों ने एग्जाम करना होता है मोस्टली एंजियोग्राफी वगैरह तो वहां पे हमारे पास इस तरह का सी आर्म सिस्टम यूज हो रहा होता है। ये सी आर्म सी की तरह होता है, ये एक्सरे ट्यूब लगी हुई है, नीचे डिटेक्टर लगा हुआ है, पेशेंट इधर होता है, हम कभी सी इसको रोटेट करके उस तरफ ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, हम लोगों ने फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो करने होते हैं ना जिसमें हमें मूवी चाहिए होती है एक्सरे की, खासतौर पर जब हम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं वहां पे हमारे पास ये सी आर सिस्टम होता है, ठीक है। तीनों सपोर्ट सिस्टम नजर आ गए आपको, समझ आ गया, ये एक्सरे ट्यूब सीलिंग के साथ है, ये फ्लोर के साथ है, और ये सी आर। फिर आ गया प्रोटेक्टिव हाउसिंग, जो हमारे पास एक्सरे ट्यूब है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव हाउसिंग होती है, दैट विल प्रोटेक्ट द एक्सरे ट्यूब। द प्रोटेक्टिव हाउसिंग गार्ड्स अगेंस्ट एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर एंड इलेक्ट्रिक शॉक। आपको मैंने बताया था अब इसके अंदर रेडिएशंस निकल रही हैं, रेडिएशंस बन रही हैं, तो क्या पता वो ट्यूब को ही फेल कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोटेक्शन है प्रोटेक्टिव हाउसिंग है वो इस तरह की बनाई जाती है ताकि वो उसको एक तो एक्सेसिव रेडिएशंस को हमारे कंट्रोल कर सके और जो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब आप देखो इस एक्सरे ट्यूब के अंदर तो आपको यहाँ से एक्सरेज निकलेंगे ना, बाकी रेड कलर का आप देख रहे हो हर जगह पे, ठीक है। तो ये रेड कलर का जो जगह है ना ये है लेड लगी हुई है, लेड की वजह से जो एक्सरेज है वो बाहर नहीं जा सकते, कुछ बहुत माइनर माइनर से एक दो निकल भी जाए लेकिन मोस्टली लेड का काम होता है एक्सरेज को एब्जॉर्ब करना आगे। इसीलिए हम लोगों ने एक्सरेज में एक्सरे डिपार्टमेंट में देखा होगा लेड एप्रन्स पहने होते हैं, जो कर रहा होता है ना उसने एप्रन्स पहने होते हैं वो लेड के बने होते हैं, ठीक। तो लेड क्या करता है, लेड जो है हमारे एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है, तो एक्सरे प्रोटेक्शन की जो हाउसिंग है ना उसमें आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर लेड नजर आएगी, ठीक।
ठीक है, अब देख रहे हो इस जगह पे नहीं है ब्लड, बिकॉज यहाँ से ही तो एक्सरेज निकल रहे हैं, और जो यहाँ से एक्सरेज निकल रहे हैं दीज आर द यूजफुल बीम, और ये विंडो है, दिस इज द विंडो जहां से एक्सरेज निकलेंगे. ठीक है, द एक्सरेज इमिटेड थ्रू द विंडोज आर कॉल्ड द यूजफुल बीम. एक्सरेज दैट स्केप थ्रू द प्रोटेक्टिव हाउसिंग आर कॉल्ड द लीकेज रेडिएशन. ये जो स्केप हो रहे हैं इधर उधर उधर उधर, दीज आर द लीकेज रेडिएशन. Properly designed protective housing reduces the level of leakage radiation to less than 1 milligrade per hour at 1 minute when operated at maximum conditions. That means के हमारे पास प्रोटेक्टिव हाउसिंग डिजाइन इस तरह की जाती है कि अगर एक घंटे के अंदर वो मुसलसल रेडिएशन भी दी जाए ना उसको, तो उसमें भी लेस देन वन जो मिली ग्रे है हम उसको एक आवर के अंदर जो है वो बस इतनी होगी जो 1 आवर में हमारे पास लीकेज हो सकती है, अदरवाइज हम मोस्टली को जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द प्रोटेक्टिव हाउसिंग इनकॉर्पोरेट स्पेशली डिजाइन हाई वोल्टेज रिसेप्टिकल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक शॉक. इसके अंदर रिसेप्टिकल्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक शॉक करंट क्योंकि जनरेट हो रहा है ना इतना हाई वोल्टेज करंट है, ठीक है, तो शॉक्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसके उसको जो है मिनिमाइज करता है हमारे पास हाई वोल्टेज रिसेप्टिकल. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक हो गया, दो पॉइंट क्लियर हो गए. एक हो गया सपोर्ट सिस्टम एक्सरे ट्यूब की, एक हो गया उसकी प्रोटेक्टिव हाउसिंग. ये उसके आप देख रहे हो, इस इमेज को अच्छे से देख लेना, दिस इज द प्रोटेक्टिव हाउसिंग. नंबर थ्री क्या था, उसके अंदर एक ट्यूब लगी होती है एक्सरे ट्यूब के अंदर, ये देख रहे हो ये इस पिक्चर के अंदर, ये तो प्रोटेक्टिव हाउसिंग होगी ग्रे ग्रे सी, और अंदर आपको इस तरह की एक चीज नजर आ रही है. ये अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक जो एक्सरेज है मतलब करंट जाके इंटरेक्ट करेगा मेटल के साथ और वहां से हमारे पास एक्सरेज जो है वो निकलते हैं. तो उस ये जो हॉलो सा वैक्यूम जो स्ट्रक्चर है ना वो या तो ग्लास का होगा या फिर हमारे पास मेटल का होगा. एन एक्सरे ट्यूब इज एन इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब विद कंपोनेंट्स कंटेन्ड विद इन अ ग्लास और अ मेटल इंक्लोजर. ठीक है, कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड्स. अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं. अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें बताया था ना, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है. ठीक, तो इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा. इट इज रिलेटिवली लार्ज, परहैप्स 30 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर. द ग्लास एनक्लोजर इज मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास. दिस इज द मटीरियल जो कि आपको याद करना है कि ग्लास किस चीज से बना होता है, पायरेक्स मटीरियल से. इतनी सेंटीमीटर की उसकी ट्यूब होती है, 30 से 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये ट्यूब है. ठीक है, और ट्यूब के अंदर क्या चीज है, कैथोड. ट्यूब के अंदर जो है वो या तो ग्लास होगा या उसका मेटल का होगा. ठीक है, अब मैंने बताया था कि वैक्यूम क्यों हमने क्रिएट किया हुआ है, व्हाई. अगर क्वेश्चन पूछूं तो इसके अंदर वैक्यूम क्यों है, दैट क्वेश्चन जो था ना वो मैं उसका आंसर अभी दे रही हूँ कि द इंक्लोजर मेंटेन्स अ वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब. दिस वैक्यूम अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट एक्सरे प्रोडक्शन एंड फॉर अ लॉन्गर ट्यूब लाइफ. दो इसके एडवांटेजेस हैं. नंबर वन इज द एफिशिएंट एक्सरे प्रोडक्शन, हमारे पास एक्सरे जो है वो अच्छे प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, दूसरा ये क्या है, वो हमारी ट्यूब की जो लाइफ है उसको कम नहीं करेगा, ज्यादा ही करेगा. ठीक है, जल्दी ट्यूब जो है वो फेल नहीं होगी. वैक्यूम क्योंकि हमारे पास जो करंट है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज रिड्यूस, फ्यूअर एक्सरेज आर प्रोड्यूस एंड मोर हीट इज जनरेटेड. ठीक है, जब हम लोग के ये इंटरेक्ट करते हैं ना तो एक्सरेज तो थोड़े से ही प्रोड्यूस होते, हीट बहुत ज्यादा जो है ना वो निकलती है उसमें से. तो उस हीट को जो है, अगर वो हीट इतनी ज्यादा है, अगर ये मटीरियल अच्छा ना हुआ, वैक्यूम अच्छा ना हुआ, तो क्या होगा, हमारी एक्सरे ट्यूब भी जो है ना वो खराब हो जाएगी. ठीक है, इतनी हीट की वजह से. लेकिन आज का जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है वो कॉलेज ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब, वो जो कॉलेज ट्यूब है ना वो यूज की जाती है एज अ वैक्यूम ट्यूब. दूसरा क्या था, मेटल इंक्लोजर ट्यूब. मेटल इंक्लोजर ट्यूब्स मेंटेन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ट्यूब करंट एंड द इंक्लोजर, देयरफॉर दे हैव अ लॉन्गर लाइफ एंड आर लेस लाइकली टू फेल. वर्चुअली ऑल हाई कैपेसिटी एक्सरे ट्यूब्स नाउ यूज मेटल इंक्लोजर. बात समझ आ गई, सीधी सीधी बात है कि जो मेटल्स वाले यूज हो रहे हैं ना हमारे पास इन्क्लोजर्स, वो आजकल ज्यादा यूज हो रहे हैं. इनका क्या काम है, ये ज्यादा हमारे जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा हाई वोल्टेज एक्सरे ट्यूब. ठीक है, और इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो मेटल वाले ज्यादा एफिशिएंट है. इंटरनल कंपोनेंट्स में हमने पढ़े थे कैथोड और एक एनोड. कैथोड जो है ना इज द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब. ठीक है, आगे जो है कैथोड के दो पार्ट्स होते हैं, एक हो गया फिलामेंट और एक हो गया फोकसिंग कप. ठीक है, अब एक्सरे ट्यूब अगर मैं यहाँ पर डिजाइन करूँ तो एक्सरे ट्यूब के अंदर एक साइड है हमारे पास कैथोड और एक साइड है हमारे पास
एनोड। अब कैथोड वाली साइड से पहले कैथोड के अंदर करंट आया, नेगेटिव साइड है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। करंट आया, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, एनोड पॉजिटिव साइड है, ठीक है। एनोड क्या है, कोई भी मेटल है जिसके साथ एक्सरेज ने इंटरेक्ट करना है, ठीक हो गया। कैथोड के अंदर जो दो पार्ट्स लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, नंबर वन इज द फिलामेंट और दूसरा क्या होता है, फोकसिंग कप। फिलामेंट जो है ना वो क्या होता है, फिलामेंट ऐसे कॉइल होती है वायर्स की, ठीक है। उसके अंदर से करंट जब ऐसे ऐसे मूव करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेंगे। तो फिलामेंट आर द कॉइल ऑफ वायर, अप्रोक्सीमेटली 2 mm इन डायमीटर एंड 1 से 2 cm लॉन्ग होते हैं। एन एक्सिट्यू फिलामेंट इमिट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज हीटेड। बात समझ आ गई अभी तक। नंबर टू, when the current through the filament is sufficiently higher, the outer shell electrons of the filament atoms are boiled off, जो कि हमने last lecture में पढ़ा था, ठीक है, boiled off and ejected from the filament. This phenomena is known as thermionic emission. ये हमारे पास जो ग्रे ग्रे सा नजर आ रहा है ना, ये फोकसिंग कप है, जो अगला हम पढ़ेंगे कि ये समझो, ये जो ये वाली ग्रे सा ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये कैथोड है। इसके अंदर दो पार्ट्स हो गए, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये फिलामेंट्स है जो कॉइल्स हैं वायर की, और ये जो ग्रे है ये फोकसिंग कप है, डेट मीन्स उसने फोकस करना है, एक ही जगह को इधर उधर जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास फिलामेंट कैसे हीटअप होते हैं, जब इनको हीटअप किया जाता है इसमें से बॉइल्ड होंगे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉइल मतलब कि हमारे ऑर्बिट से निकलेंगे, इजेक्ट होंगे, और वो हमारे पास या तो कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव होके आगे एनोड के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एक्सरेज बनाएंगे, या फिर मोस्टली ज्यादातर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। इसलिए जो है हम लोगों को इतना ज्यादा हीट निकलती है उसके अंदर, तो हम लोगों ने जो फिलामेंट का मटेरियल है वो ऐसा यूज करना है कि वो मेल्ट ही ना हो जाए। तो मोस्टली जो आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ये वाला, जो मोस्टली यूज होता है फिलामेंट मटेरियल वो होता है टंगस्टन मटेरियल। क्यों? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410 होता है, इतना ज्यादा होता है। अब वहां से इतनी हीट जो है वो डिसिपेट हो रही है, तो वो क्या करेगी, हमारी हमारी ट्यूब की लाइफ को खराब कर सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फिलामेंट का मटेरियल यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, तो उसमें टंगस्टन इज द मोस्ट कॉमन जो कि यूज होता है। थोरियोटिक टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 3410, एंड इट डज नॉट वैपोरेट इजिली। एंड एडिशन 1 to 2% उसके अंदर थोरियम होता है टंगस्टन फिलामेंट के, टू एनहांसेस द एफिकेसी ऑफ द थर्मियोनिक एमिशन एंड प्रोलॉन्ग्स ट्यूब लाइफ। दूसरा क्या था, फोकसिंग कप, वो क्या करता था, वो मैंने अभी आपको ग्रे सा दिखाया था जिसके अंदर फिलामेंट्स जो थे वो यूं करके embedded थे। The filament is embedded in a metal cup called the focusing cup. The focusing cup is negatively charged so that it is electrostatically confines the electron beam to a small area of anode. वो confine कर देता है हमारी beam को, ठीक है। filament से electrons निकले, अब वो इधर उधर भी जा सकते हैं, लेकिन focusing cup ने उसको यूं रखा हुआ है कि वो confine करेगा आगे electrons को move करने के लिए, ताकि वो सीधा anode की तरफ ही जाए, ठीक हो गया। ये टारगेट है एनोड, ये आप देख रहे हो कैथोड है। अब ये देख रहे हो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इधर 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 काफी जगहों पे वो ज्यादा जा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये ग्रीन कलर का फोकसिंग कप लगा देते हैं, तो आप देख रहे हो कि वो कन्फाइन हो गई है उसकी बीम, जो कि एनोड के साथ जाके जब इंटरेक्ट करेगी। सो द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड द स्पेस चार्ज, थर्मियोनिक एमिशन एट लो केवीपी एंड हाई एमए कैन बी स्पेस चार्ज लिमिटेड। अब आ जाओ फोकल स्पॉट। अब यहां से आपको देख रहे हो फोकसिंग कप से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जाके इसके साथ लग रहे हैं एनोड के साथ, किसी टारगेट के साथ, देन ही एक्सरेज निकलेंगे ना वहां पे। तो ये दो किस्म के यहाँ पे होते हैं फोकसिंग कप, एक होता है छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा होता है, इनको कहते हैं हम लोग फोकल स्पॉट, ठीक है। ये आप वर्ड बहुत ज्यादा सुनोगे जब आप एक्सरे ट्यूब में एक्सरे रूम में जब होगे ना, तो आपको जब देखना है कुछ बहुत अच्छा जिसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा फोकल स्पॉट साइज जो है ना वो यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोगों को इतना बड़ा एरिया देखना है तो हम लोग हायर फोकल स्पॉट, अगर छोटा फोकल स्पॉट यूज करेंगे तो डैट मीन्स एक तो ये कि उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी छोटे की, बट उसकी रेडिएशन बहुत ज्यादा होंगी। तो इसलिए हम लोग हर एक के लिए स्मॉल फोकल स्पॉट नहीं यूज करेंगे, वो केसेस जिसके अंदर हमें डिटेल बहुत अच्छी देखनी है, जिसके लिए हमें फोकल स्पॉट साइज छोटा रखेंगे, रेडिएशन ज्यादा होंगी ना उस छोटे से एरिया से ज्यादा निकलेंगी, ठीक है। उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी उस बीम की, जो बीम निकल रही है,
क्योंकि वो छोटे एरिया से निकल रही है, जो ज्यादा जब निकलेगी तो वो हमारे पास इमेज भी अच्छा सा क्रिएट करेगी लेकिन पेशेंट को भी उतना ही ज्यादा नुकसान देगी। तो ये हम हर पेशेंट के अंदर स्मॉल फोकल स्पॉट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। जहां पे हमें स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी चाहिए वहां पे हमने देखना है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जो छोटी से छोटी चीजें भी हमें रेजोल्यूशन जिसकी अच्छी छोटी से छोटी भी दिखा सकता है, दैट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सो मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स हैव टू फोकल स्पॉट, वन लार्ज एंड अदर स्मॉल। स्मॉल फोकल स्पॉट इज यूज्ड व्हेन बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड एंड लार्ज फोकल स्पॉट इज यूज्ड व्हेन लार्ज बॉडी पार्ट्स आर इमेज एंड व्हेन अदर टेक्निक्स दैट प्रोड्यूसेस हाई हीट आर रिक्वायर्ड। समझ आ गई ना इस बात की, मैंने पहले अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दी है, वही चीज इन्होंने एक्सप्लेन कर दी है। जो स्मॉल फोकल स्पॉट साइज है उसका आपको साइज पता होना चाहिए, 0.1 से 1 mm तक होता है, और लार्ज फोकल स्पॉट का साइज 0.3 से 2 mm तक होता है, ठीक है। द फोकस स्पॉट इज द एक्चुअल एक्सरे सोर्स, वही तो स्पॉट होता है जहां से एक्सरे निकलेंगे। या तो वो लार्ज होगा तो इस तरह फैन की तरह हमें निकल रहे होंगे, और अगर स्मॉल होगा तो वो कन्फाइंस यूं करके हमारे पास एक्सरे बीम निकल रही होगी, ठीक है। अब आ जाओ एनोड, ये तो कैथोड हो गया। अब ये जो टारगेट है ना ऊपर डायग्राम में जो देख रहे थे, ये टारगेट जो है ना जहां पे आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, दिस इज एनोड, ठीक है। ये अब आप देख लो, पहले इसकी शेप देख लो, ये इस तरह लग रहा है, इस तरह ये मूव भी कर सकता है, ठीक है, ये घूमता रहता है घूमता रहता है। तो ये जो एनोड है ना, ये दो किस्म के होते हैं, नंबर वन इज द स्टेशनरी, नंबर टू इज द रोटेटिंग, ठीक है। दोनों के साथ क्या होता है कि जब एक्सरेज इनके साथ इंटरेक्ट, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक्सरेज निकलेंगे, ठीक है। तो दो टाइप के स्टेशन यूज होते हैं हमारे पास एनोड, नंबर वन इज द स्टेशनरी, नंबर टू इज द रोटेटिंग। तो जो स्टेशनरी है वो हमारे पास कहाँ यूज होता है, वो हमारे पास डेंटल इमेजिंग, जब हम ये अपने दांतों के जो है ना एक्सरेज करवाते हैं ना, उसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब है ना, उस एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड जो यूज हो रहा है वो स्टेशनरी है, ओके। फिर आ गया, या फिर हमारे पास पोर्टेबल इमेजिंग सिस्टम के, हम लोगों ने आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जो पोर्टेबल एक्सरेज होते हैं, कुछ पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं वो उनको हम एक्सरेज रूम में तो नहीं ले जा सकते, वो इस तरह बेडेड होते हैं, उनको हम लोग उठा के नहीं लेके जा सकते, उनके लिए पोर्टेबल एक्सरेज होते हैं, एक छोटी सी मशीन होती है पोर्टेबल, उनको हम लोग लेकर जा सकते हैं और वहां पे उनके बेड के ऊपर ही उनके एक्सरेज हम लोग कर लेते हैं, वो छोटी छोटी सी मशीन होती है एक्सरे की, ठीक है, उसको पोर्टेबल एक्सरेज कहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि हमें इसके अंदर क्या होता है कि हाई वोल्टेज करंट नहीं रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से हम लोग जो उसका एनोड है वो स्टेशनरी यूज करते हैं, क्योंकि हमें दांतों के लिए भी इतनी छोटे से तो दांत होते हैं हमारे, उसके लिए भी हमें कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता हाई वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पोर्टेबल एक्सरेज के लिए कहीं पे भी लेकर जाना है तो हमें हाई वोल्टेज वहां पर रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इन दोनों के अंदर मैं अगर पूछूं कि स्टेशनरी एनोड का किन एरियाज में यूज होता है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं स्टेशनरी एनोड और उसका क्या यूज होता है, तो यू शुड नो कि डेंटल इमेजिंग में या फिर पोर्टेबल इमेजिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास स्टेशनरी एनोड एक्सरेज ट्यूब यूज होते हैं, एंड देयर पर्पज इज इन विच द हाई ट्यूब करंट एंड पावर आर नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा आ गया रोटेटरी। रोटेटरी में क्या होगा कि ये जो है ना हमारे पास ये टारगेट ये रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ऐसे 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 मूव कर रहा है। तो ये कहाँ जनरल पर्पस, जितने भी एक्सरेज हैं, जितने भी एक्सरे ट्यूब, जितने भी हमारे पास जनरल पर्पस में यूज हो रहे हैं एक्सरे रूम के अंदर, जो हमारे पास ट्यूब लगी होती है उसके अंदर रोटेटरी एनोड होता है, वो क्या करता है, बिकॉज दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरे बीम इन अ शॉर्ट टाइम, हायर ट्यूब उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती है, हायर ट्यूब करंट एंड शॉर्टर एक्सपोजर टाइम पॉसिबल विद द रोटेटिंग एनोड। अब आ जाओ एनोड के क्या फंक्शन है, एक वो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, नंबर टू मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, नंबर थ्री थर्मल डेसिपेटर। अब ये जो हमारे पास टारगेट था ना टंगस्टन का, उसका बता दिया कि वैसे तो ये मोलिब्डियम और रूडियम भी हमारे पास यूज होते हैं, बट मोस्ट कॉमन हमारे पास टंगस्टन ही मटेरियल यूज हो रहा होता है, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये दोनों भी यूज हो सकते हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बट मोस्ट कॉमन टंगस्टन मटेरियल यूज हो रहा है। फिर इम्पोर्टेंट एक स्लाइड है, दैट इज लाइन फोकस प्रिंसिपल। लाइन फोकस प्रिंसिपल किसे कहते हैं कि रोटेटिंग एनोड जब आया उससे पहले, अभी ये तो नई टेक्नोलॉजी आ गई ना रोटेटिंग एनोड थी, रोटेटिंग एनोड से पहले रोटेटिंग एनोड क्या करता है, वो रोटेट करता है ना, तो हमारे पास एक्सरेज बस थोड़े से ही प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमें यूज हाई वोल्टेज है पीछे से, और वो उसको इधर उधर डेसिपेट कर देता है जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें हमारी यूजफुल बीम दे देता है,
ठीक है, लेकिन उससे पहले जब हमारे पास रोटेटिंग एनोड यूज नहीं होता था, उससे पहले हम क्या करते थे कि जो एक्सरेज आ रहे हैं ना, इधर से मूव हो रहे हैं और टारगेट के साथ लग रहे हैं, तो हम उसको एंगल दे देते थे टारगेट को. टारगेट एंगल्ड होगा ना, तो वो जो एंगल्ड है वो कम हमारे पास बीम निकलेगी. ठीक है, इसको आप पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगी. बिफोर द रोटेटिंग एनोड वॉज डिवेलप, अनदर डिजाइन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द एक्सरे ट्यूब टारगेट टू अलाउ अ लार्ज एरिया फॉर हीटिंग वेल मेंटेनिंग अ स्मॉल फोकल स्पॉट. This design is known as line focus principle. ठीक है, line focus principle का आगे मैं बताती हूँ example क्या है. वो angle देते हैं, उसको कहते हैं heel effect. Heel दे दिए ना, एक side से ज्यादा ऊंची और एक side से कम. ठीक है, लेकिन line focus principle क्या है, उसकी definition है, it allows the X-ray tube to for heating while maintaining a small focal spot. ठीक है, आपको क्या करना है, हमारे फोकल स्पॉट जो आ रहा है जिससे अंदर से एक्सरेज निकल रहे हैं, उसको हमने कम से कम रखना है ताकि हमारे पास सिर्फ यूजफुल बीम ही निकले, इधर उधर वाली को हमने जो है वो एब्जॉर्ब ही करना है. तो उसके लिए हम रोटेटिंग एनोड जो होता है ना, वो पहले अब तो काम करता है, उससे पहले लाइन फोकस प्रिंसिपल था. और वो लाइन फोकस प्रिंसिपल अब हमारे पास एडवांटेज क्या है इसका, इट इम्प्रूव द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड हीट कैपेसिटी. और जो हील इफेक्ट है वो मैंने अभी आपको बताया है कि लाइन फोकस प्रिंसिपल के अंदर जो है हम कैथोड साइड जो है वो एक्सरे फील्ड की ग्रेटर रखेंगे और एनोड साइड कम रखेंगे, तो उसको एक हील दे देते. ठीक है, कैथोड साइड जो है जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो थोड़े ऊपर, एनोड नीचे, एंगल आ गया. ठीक है, और अब क्या करेगा वो, वहां से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसको कॉर्नर पर ही स्ट्राइक करेंगे और वहां से हमें सिर्फ यूजफुल बीम ही निकलेगी ड्यू टू दैट हील इफेक्ट. ठीक है, आपने एंगल दे दिया एनोड और कैथोड के दरमियान. द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज दैट आर इमिटेड थ्रू द हील ऑफ द टारगेट इज रिड्यूस्ड बिकॉज दे हैव अ लॉन्गर पाथ थ्रू द टारगेट एंड देयरफॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन. एक एंगल देने से हमारा पाथ इंक्रीज हो गया, पहले यूं था ना, अब यूं कर दो तो पाथ इंक्रीज हो गया. ठीक है, दूसरा हमारे पास वो स्ट्राइक करेगा कम, पाथ इंक्रीज हुआ, बिल्कुल कॉर्नर पे जाके वो करेगा तो हमारे पास इंक्रीज कर देगा उसकी एब्जॉर्प्शन. दिस इज द हील इफेक्ट. अब इस इमेज में देख लो, द स्मॉलर द एनोड एंगल द लार्जर द हील इफेक्ट. ठीक है, हील इफेक्ट. The heel effect result in smaller effective focus spot and less radiation intensity. ये advantage है heel effect का. Heel effect को इस chapter में अच्छे से याद करना. Heel effect मैं पूछूंगी, what is heel effect. Last slide है हमारे पास X-ray tube failure की. इसमें क्या होता है कि X-ray tube जो है हमारे पास किन किन वजहों से उसके अंदर कुछ problems आ सकती हैं या वो fail हो सकती है. Number one, minimum radiographic factors of MA, KV and exposure time, जो कि हम operating console के ऊपर ये factors जो है सेट कर रहे होते हैं ना, एक्सपोजर टाइम कितना केवी देना है, एमए देना है. ठीक है, वो अगर आप लोगों ने वो मिनिमम रखेंगे तो ही अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोगों का इमेज अच्छा ना आए. ठीक है, द यूज ऑफ फास्टर इमेज रिसेप्टर रिजल्ट्स इन लॉन्गर ट्यूब लाइफ. एक्सेसिव हीट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एक्सरे ट्यूब लाइफ. हम ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, करंट ज्यादा निकल रहा है, उसमें से हीट निकल रही है ज्यादा. जितनी हीट निकलेगी एक्सरे ट्यूब की लाइफ उतनी कम होती जाएगी. तो ये चीजें भी हमने देखनी है, नंबर वन. ठीक है, सबसे पहला वाला पॉइंट हो गया फैक्टर्स, वो हम लोगों ने मेंटेन रखने हैं, उसको हमने सेट अच्छे सही से करना है. नंबर टू हमारे पास आ गया मेंटेनिंग द एनोड एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स बिकॉज एनोड के साथ ही तो हमारा इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फिर तीसरा आ गया हाई टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट जो कि टंगस्टन मटेरियल यूज हो रहा है, और कोई मटेरियल ना यूज हो, टंगस्टन एवेपोरेट भी नहीं होता. अगर वो टंगस्टन के जब फिलामेंट्स जो है हीटअप होते हैं, उसके अंदर एवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वो जो हमारे पास ट्यूब है ना, उसके ऐसे ऐसे ऊपर जाके एवेपोरेट होके जो है ना, वो उसकी लाइफ को जो है कम कर देंगे. तो हायर टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट शुड बी यूज जो कि टंगस्टन है. टंगस्टन एटम्स आर वेपोराइज्ड स्लोली एंड ये इजिली जो है वेपोरेट नहीं होता. And plate the inside of the glass or metal enclosure even with normal use. ये तीन points हैं tube failure के, अगर हम इनको जहन में रखते हुए इनको सही से use करते हुए करेंगे तो हमारी tube की life जो है increase हो जाएगी और हम जो है extra tube को जो है ज़्यादा अरसे के लिए use किया जा सकता है. ठीक हो गया, आज की X-ray imaging system ख़त्म. कोई question? मैं फिर से एक मिनट लगाऊंगी रिवाइज करने के अंदर. हमने आज पढ़ा है एक्सरे इमेजिंग सिस्टम. एक्सरे इमेजिंग सिस्टम में उसके कंपोनेंट्स कुछ पढ़े हैं, कुछ हमारे पास एक्सरे इमेजिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बाहर, वो तीन चीजों से अटैच होता है. एक्सरे ट्यूब, पहले तो हम लोग एक्सरे रूम में देखेंगे तीन चीजें, एक कंसोल जिससे हम फैक्टर सेट कर रहे हैं, एक्सरे ट्यूब सामने लगी हुई है और जनरेटर, मतलब साथ वाले रूम में जनरेटर से करंट आया,
आके ट्यूब में आया, ट्यूब की सपोर्ट हम लोगों ने देख ली, तीन तरीके से होती है, एक सीलिंग के साथ अटैच होगी, एक हमारे फ्लोर के साथ, और एक हमारे पास तीसरी कौन सी थी, सीआम, ठीक है। फिर आ गई हमारे पास उसकी प्रोटेक्टिव हाउसिंग, वो किस तरह होती है, और तीसरी हमारे पास उसके अंदर जो ट्यूब होती है, और ट्यूब के अंदर दो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड नेगेटिव साइड, जहां से करंट आया, वोल्टेज फिलामेंट्स जो लगे होते हैं उसको हीटअप किया, फोकसिंग कप ने उसको कन्फाइन किया, इलेक्ट्रॉन्स एनोड के साथ स्ट्राइक करेंगे, एनोड हमारे पास स्टेशनरी होगा या हमारे पास रोटेटरी होगा, ठीक है। जो हमारे पास स्टेशनरी होगा वो हमारे पास डेंटल इमेजिंग या फिर पोर्टेबल इमेजिंग में यूज होते हैं, बाकियों में जो हमारे बेसिक पर्पस जितने भी एक्सरेज हैं उसमें रोटेटरी एनोड यूज होते हैं, उससे जब हमारे पास एक्सरेज निकलेंगे वो हमारे पास यूजफुल बीम है। अब समटाइम्स हम लोग वहां पे हील इफेक्ट जो था रोटेटरी से पहले हील इफेक्ट यूज होता था, अब हील इफेक्ट नहीं होता, उसमें क्या होता है एंगल दे देते हैं, कैथोड ऊपर एनोड नीचे, उससे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा हमारी फोकल स्पॉट जो साइज होगा ना उसको कम कर देगा, दैट मीन इंटेंसिटी ज्यादा होगी और हमारे पास रेजोल्यूशन बेहतर हो जाएगी। और आखिरी हमारे पास था एक्सरे ट्यूब की फेलियर, ये बाहर के कंपोनेंट पढ़ लिए, और ये ट्यूब जो है फेल कैसे कैसे हो सकती है, इन तीन चीजों को नजर रखना है हम लोगों ने, एक फैक्टर सही से रखने हैं, ठीक है। एक हम लोगों ने एनोड पॉइंट डाले, हाई टेंपरेचर ऑफ द फिलामेंट, यस मैम, वो वेपराइजेशन वाली वो बात नहीं समझ आई। देखो मैंने बताया था कैथोड किस तरह का था, एक फोकसिंग कप बना हुआ था और उसके अंदर यूं कॉइल लगी हुई थी ब्लैक कलर, वो फिलामेंट था जो कॉइल थी ना, और जो जिसके अंदर फिलामेंट एम्बेडेड थे वो फोकसिंग कप था। फॉर एग्जांपल ये देखो ये मेरा हाथ है ना, ये फोकसिंग कप है और ये जो पेन है ना ये फिलामेंट लगे हुए, ठीक है। अब फिलामेंट जब हीट होंगे ना, हीटअप होंगे, तो उसके अंदर से हमारे पास जो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है, उसमें से 1% सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उसके साथ एनोड के साथ, बाकी सारी हीट है, ठीक है। वो हीट जब एवेपोरेट होगी ना, क्योंकि वो मटेरियल टंगस्टन का होता है ना, कोई भी मटेरियल जब उसके अंदर से कोई मटेरियल कोई चीज निकलेगी तो वो जो साइडों पे वो होता है ना वेपोरेशन की वजह से उसके अंदर डिपॉजिट्स बना देते हैं, वेपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो कि हम एज अ यूज कर रहे हैं फिलामेंट, वो वेपोरेट करके अपने डिपॉजिट्स वहां पे एम्बेडेड कर सकता है ट्यूब के अंदर, वो हमारी ट्यूब की लाइफ को खराब कर सकता है। तो हमने ऐसा फिलामेंट यूज करना है, ऐसा मटेरियल का यूज करना है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो और वेपोरेट वो इजिली ना हो सकता हो, क्योंकि इतनी हीट है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम टंगस्टन यूज करते हैं, इसलिए, ठीक है, ताकि जो उसका ग्लास है ना, और या तो वो ग्लास का होगा या तो मेटल का होगा जो जिसके अंदर ये कैथोड और एनोड होते हैं, तो वो उसके जो साइडों पे दीवार है ना उसके अंदर वो फिर डिपॉजिट्स नहीं होगा वेपोरेट होकर, और फिर ट्यूब की लाइफ जो है वो खराब नहीं करेगी, हमारी ट्यूब जो है वो ज्यादा टाइम तक उसका उसकी लाइफ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मैम? पोर्टेबल इमेजिंग भी बता दें। पोर्टेबल मैंने बताया ना कि आप एक्सरे जब जाओगे यूनिट एक्सरे डिपार्टमेंट में जाओगे ना, एक आपको रूम नजर आएगा डिजाइन ऐसा होता है, उसकी दीवारों में लेड लगी होगी, एक्सरे जो ट्यूब है वो ऐसे हैंग कर रही होगी ऊपर दीवार के, इतना बड़ा रूम होता है, डिजाइन होता है, नॉर्मल एक्सरेज तो वहां पे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ आईसीयू के अंदर पेशेंट है उनका एक्सरे करना, अब आईसीयू का पेशेंट है होश भी नहीं है, उसको कैसे लेके आएंगे एक्सरे रूम के अंदर एक्सरे करने के लिए, तो हमारे पास एक छोटा सा यूनिट होता है पोर्टेबल, जिस तरह अल्ट्रासाउंड की मशीन एक पोर्टेबल मशीन होती है ना, कि हम कहीं पे भी उठा के ले जाते हैं। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? मूव कर सकते हैं, तो एक्सरे ट्यूब भी होती है जो हम लोग मूव करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और उनके अंदर हाई वोल्टेज करंट नहीं होता इतना, क्योंकि वो छोटी सी होती है, ठीक है। इसी तरह डेंटल में भी वो जो छोटी सी होती है, तो हाई वोल्ट वो हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबल, ठीक है। हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, बड़े हॉस्पिटल्स में लोग लेके जा रहे होते हैं, लोग मतलब वहां पे जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं ना जो एक्सरेज कर रहे होते हैं, देखा होगा वो ऐसे ट्रॉली सी होती है, ऊपर एक्सरे ट्यूब सी ऐसे छोटी सी लगी होगी, वो ट्रॉली लेके जा रहे होंगे, उसमें क्या होगा पेशेंट जहाँ पे भी हमारा एडमिट होगा नहीं भी होश, वो हम लोग नीचे इमेज रिसेप्टर छोटी सी फिल्म होती है जिस भी एरिया का करना है, और वहीं पे एक्सपोजर देकर उसका एक्सरेज ले सकते हैं। पोर्टेबल मशीन कहीं पे भी मूव करा के लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल का ये मतलब होता है। ओके मैम, इसके अलावा क्लास आप लोगों को समझ आ रही है सारी अभी तक की? यस मैम, ठीक है। आपको साथ साथ मैं पूछती रहती हूँ, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती मुझसे पूछ लिया करो, साथ साथ क्लियर रखोगे बेसिक चीजें तो बाद में आप लोगों को वाइवा में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वाइवा में जब क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो सबकी वहीं उड़ी होती है, मैम ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, सारे आपके लेक्चर्स में से ही पूछ रही होती है,
पूछ रही होती हैं और ये मेन मेन पॉइंट्स ही होती हैं, मैंने बता दिया। बताएं जी टंगस्टन क्यों यूज होता है, फिलामेंट हमारे पास यूज हो रहे हैं, कौन कौन से यूज हो सकते हैं, टंगस्टन ही क्यों यूज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बता दो, ठीक है उसका ऐसा है। फेलियर के 3 पॉइंट्स बता दो कि अगर ट्यूब फेल हो रही है तो क्या, ठीक। हर जो हमारे पास लेक्चर है ना उसके अंदर से मेन मेन मेजर मेजर जो क्वेश्चन होते हैं जो मैं पूछ सकती हूँ, मैं साथ साथ बताती हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उनको अच्छे से कर लिया करो, बाकी चीजें आपकी बेसिक रीड आउट करने से भी समझ आ जाती हैं। फिर लेक्चर के एंड में मैं कहती हूँ एक दफा घर जाके रिवाइज, घर बल्कि घर पे ही हो तुम लोग तो रिवाइज कर लिया करो इसको, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में मुझसे जरूर पूछ लिया करो कि मिस ये वाला लेक्चर में ये चीज समझ नहीं आई। साथ साथ जब समझ लोगे ना फिर एट द एंड में आपको ना इतने सारे लेक्चर जब पढ़ने पड़ते हैं फिर आपको मुश्किल नहीं होगी कि ये तो लेक्चर 1 में ये था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब था, ठीक है। ठीक है क्लास को, अच्छा अगला ना एक और बात मैंने करनी थी आप लोगों को ना, ये जो मैं अभी आप लोगों को लिंक सेंड करती हूँ वो ईमेल कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक हम मेरे पास बच्चे जो थे वो कभी ऐड हो रहे थे कोई ड्रॉप हो रहे थे तो अभी तक पता नहीं चल रहा था, आज लास्ट डे है ऐड ड्रॉप का। तो जो नेक्स्ट क्लासेज होंगे ना मैं इसकी लिंक LMS पर डाल दिया करूँ, जिस तरह बाकी लेक्चर्स की होती है ना आपकी, तो उसको एक ही दफा सेट कर लूंगी कि आपके लेक्चर कब कब होते हैं, फ्राइडे को होता है और एक ट्यूजडे को होता है, और स्लॉट आपकी सेकंड ही है, तो बस इस टाइम पे जाके आपने वो लिंक को वहां से LMS पर क्लिक कर लिया करना है, आपको टाइम पता है, तो आप हर दफा जो है इस तरह वो ईमेल नहीं आएगी, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए भेज रही थी कि कभी बच्चे ऐड हो रहे थे कोई ड्रॉप हो रहे थे तो LMS के ऊपर ही बस हर दफा जाओ वहां से क्लिक करो और आपका इस टाइम पे आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी है मीटिंग। जी LMS से करना है ज्वाइन, समझ नहीं आई आपकी बात की। अगर नहीं हो पाता तो मैं ईमेल कर दूंगी, अगर ईमेल नहीं आई है आप लोगों को लेक्चर की, पहली बात तो ईमेल चेक कर लिया करो लेक्चर से पहले, अगर ईमेल नहीं आई है तो डैट मीन LMS के ऊपर उसकी लिंक होगी वहां चले जाना, ठीक है। ठीक है ठीक है चलो ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।